गवर्नमेंट को स्टार्ट किया है ये सर, ये जो ट्रे होता है ये सिर्फ 18 दिन तक रहेगा। 18 दिन के बाद जैसे 19 दिन बासमती की बात करें तो कठुआ का नाम है उसके अंदर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर नाम है पूसा बासमती की बात करें। और जिस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र ने 11-21 जो वैरायटी है उसको प्रमोट किया है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 15,000 के करीब एरिया जो है 11-21 में आया है। इस तरह धीरे मतलब अब क्या है कि पंजाब की सारी सिचुएशन कठुआ से नहीं मिलती है। कठुआ में बहुत सारे एरियाज है जो रेन फेड भी है, इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए मैं अलाइड जो धंधे होते हैं जो हम जिस पर आर्या प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं उसके अंदर इनको सबको मतलब इनकम कैसे जनरेट करें, कैसे बढ़ाएंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि अलाइड जो सेक्टर है उसके अंदर भी नौजवान आगे आए और अपना धंधा स्टार्ट करेंगे तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो एकदम यदि मैं कहूँ कि पंजाब के साथ कम्पीट कर लेंगे वो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इतना जरूर है किसान मतलब यहाँ के किसान भी है वो भी जागरूक हों, और उनको हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि इन लोगों को हम उधर पंजाब के खेतों में जहाँ पे अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरी निकली है हम वहाँ पे इनकी विजिट कराएंगे, उनके साथ इंटरेक्ट कराएंगे, उन लोगों को यहाँ लेके आएंगे, इनको वहाँ लेके आएंगे, ताकि वो अपने यहाँ पे इनको सजेशन देंगे, ये जाके खुद देखेंगे तो खुद उसमें मॉडिफाई करेंगे। ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करें। मैन एंड मशीनरी में भी थोड़ा डिफरेंस है। हमारे हौसला अफजाई भी करते हैं इन्हीं की देख रेख में हमारे कृषि विज्ञान के अंदर जो आगे बढ़ रहे हैं, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और अलाई डिपार्टमेंट डॉक्टर एस के गुप्ता जी, और जो हमारा आर्या का मेन जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर साहब हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। सर मैं आपका भी बहुत आभार करता हूं, और खासकर जो चीफ साहब ने जो अपनी टेक्नोलॉजीज जितने भी डिस्ट्रिक्ट एड्स हैं उन्होंने लगवाई किसानों के लिए, और साथ में हमारे जो युवा पीढ़ी के लिए देखने के लिए एक नुमाइश के तौर पर लगाई, उसके लिए सर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। संजीव जी जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे साथ आए और आज का कार्यक्रम बढ़ाया, मैडम अंजू कौल जी, और हमारी महिला किसान खासकर श्रीमती राजकरणी जी जो अपना घर का काम छोड़ के आए, और उनके साथ बैठे हुए जितनी भी महिलाएं हैं मातृ शक्ति, मेरे किसान भाई अपने सरदार डोंडा सिंह जी और कैप्टन साहब, इन सब का मैं बड़ा